Hey guys, welcome back to my channel. और सुबह का वक्त है, अनजानी अपने साथ है और इसका हाल अभी देखिए क्या हो चुका है। प्रॉपर ऑफ रोडिंग इसके साथ हुआ है, रास्ता यही है इधर से हम लोग आए हैं और इसका रिटर्निंग का एक वीडियो बना देंगे इसका। तो गाड़ी का हालत देख सकते हो आप, बैंड बजा हुआ है, नज़ारा एक नंबर है। आगे ब्रिज है, इधर खेत है। हम लोग का ऑफ रोडिंग भी प्रॉपर हो गया। तो चलिए आज अपने म्यूजिक सिस्टम के बारे में हम बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अल्टो VXi प्लस लेते हो तो इसके फ्रंट डोर में आपको बस बाय डिफॉल्ट स्पीकर मिलेगा। आवाज के बारे में पूछेगा तो आवाज वैसा कुछ खास नहीं लगेगा, तो हम इसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई कराए। हम कंपनी में अपना इसके रियर स्पीकर लगवा लिए थे सोनी के, तो चलिए आपको दिखाते हैं। यही खोल देते हैं। ओ भाई, पूरा धूल धूल हो गया है, तो भाई लोग कहेंगे कि कितना गंदा कार है, तो भाई अभी हुआ ये। तो ये सोनी का स्पीकर, 6 इंच का स्पीकर है और साउंड भाई इसका अगर आप पूछोगे तो ऑसम है। आप देख सकते हो 270 वाट का स्पीकर है, एक्सप्लोड। पार्सल ट्रे में बहुत लोग मना कर रहे थे कि भाई ये दब जाएगा, ये हो जाएगा, बट हम बोले कि एक बार ट्राई करते हैं। उन्होंने कहा कि आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस सेंटर वाले ने बोला पार्सल ट्रे में कोई दिक्कत नहीं, आप इंस्टॉल करा सकते हो, ये दबेगा नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है भाई कि अगर इसमें अगर पानी कैसे भी लग गया ना तो ये पूरा सॉफ्ट हो जाता है और इस पर ज़्यादा वेट आप नहीं डाल सकते। आप जैसे देख रहे हो डालने, तो ये थोड़ा ऐसे हो रहा है, दब रहा है, तो उसको पानी से आपको बचा के रखना है। और देख सकते हो आप 270 वाट का है सोनी का। और इसका अगर हम बात करें कि इस डोर में आपको स्पीकर मिलता है या नहीं, तो आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अब पहले के मॉडल में था क्या कि आपको यहाँ स्पेस मिल जाता था स्पीकर का, या फिर उसमें रहता भी था, या फिर आप इसमें इंस्टॉल करा सकते हो। बट आज के मतलब अब के मॉडल में ऐसा कुछ नहीं है, आपको इंस्टॉल आप पार्सल ट्रे में करा सकते हो। अगर आपको पीछे कराना है उसमें, तो आपको वो वहाँ पर कट करवा के आपको प्रॉपर करवाना होगा। बात हो गया है आपके स्पीकर का, तो बेस ट्यूब का बात करते हैं अब। तो बेस्ट ट्यूब है अपना हमान का 1500 वॉट, और आप देख सकते हो इसका लुक बहुत ज़बरदस्त लगेगा आपको देखने में। और इसका सेटिंग मॉड्यूल का बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर दिख रहा हो तो ये जो आप देख रहे हो नोजल, ये बेस और म्यूज़िक का है। बेस म्यूज़िक मतलब कि अगर आप बस बेस चाहते हो तो बस बेस पे क्लिक कर दो तो बस बेस आएगा इसमें, और म्यूज़िक कर दोगे तो म्यूज़िक के साथ साथ बेस मारेगा। और ये फ्रिक्वेंसी और बेस का कैपेसिटी के लिए है, तो हम म्यूज़िक के साथ ही रखते हैं। और ये आपका सॉकेट है, अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो प्लीज़ ये सबको, ये मतलब अगर आप बेस ट्यूब हटाना चाह रहे हो तो ये सबको निकाल के टेप मार के ही बंद करके रख दीजिएगा, ताकि टच ना हो वायर एक दूसरे में। और चलिए आपको अब इसका आवाज़ सुनाते हैं, तो एक NCS सॉन्ग बजाया जाए। और मौसम भी बहुत अच्छा किए हुए हो आप देख सकते हैं, ये तो फ़ोन में आ रहा है। आएगा आएगा, रुक जाइए, कार को ऑन कर लेते हैं, बैटरी पे नहीं बजाना है, तो गाना अब बजेगा ही भाई। कनेक्ट होने पर क्या देरी है, हो गया कनेक्ट। अगर आप ईयरफोन लगा के देखोगे तो आपको ये बेस भी इसमें ज़बरदस्त फील होगा। और भाई भीग गया पसीना से हम यहाँ पे, तो गर्मी ऐसा ह्यूमिडिटी किए हुए है और धूप भी हल्का हल्का हो गया है। अगर आप ईयरफोन लगा के सुनोगे तो आवाज़ बहुत ज़बरदस्त लगेगा, और मेरे लिए इतना काफ़ी है। आगे अगर इन फ्यूचर हुआ तो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें एक कॉम्पोनेंट लगवाएंगे, वो भी ऐसा नहीं है कि भाई हम कहीं पर भी लगवा लेंगे। कॉम्पोनेंट का भी एक तरीका होता है कि आप उसको कहाँ पे, उसका एंगल कहाँ होता है। और बहुत सारे गाड़ी में देखते हैं भाई कहीं भी कंपोनेंट लगा देता है, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगा दिया, कहीं भी लगा देता है,
जो कि ऐसा नहीं होता है, उसका प्रॉपर तरीका होता है। इनका काम बस है पिच, उसका बस पिच निकलेगा, उसमें से पतला आवाज़ निकलता है, छन छन जो होता है बस वही निकलता है। बट उसका भी एक एंगल सही होता है, तरीका होता है, जो कि वो उसी हिसाब से लगाया जाता है। तो अगर इन फ्यूचर हुआ तो कंपोनेंट लगवाएंगे, बाकी इसमें हमको म्यूज़िक सिस्टम में कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कराने का, इतना मेरे लिए काफ़ी है। कमेंट करके बताइए कि आपको अब मेरा म्यूज़िक सिस्टम कैसा लगा और इसमें क्या चेंजेस करा सकते हैं। बाकी सही है अभी, इतना के लिए छोटा कार है भाई, तो बेस में बहुत अच्छा फील होता है। ऊपर से 1500 वाट का स्पीकर बेस ट्यूब लगा हुआ है इसमें, बाकी बढ़िया है। इसका स्पीकर जो कंपनी फिटेड है उसका भी ये आवाज़ ठीक है, एवरेज आवाज़ है बट ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोज़ आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।